दोस्तों आपण समस्त को आम चैनल के डी एजुकेशन आईडिया स्वागत। तो ये रही आपणपाई निश्चित भाव में डेमो क्लास आम डेमो दौच अर्थात आप जाणी रखु आम अलरेडी 10टा 11टा बर्तमान डेमो पड़ी। तो ये डेमो क्लास आपड़ देखुं डेमो जमी हो क्लास सेमती हो तो निश्चित भाव में आम आपण को विभिन्न मैथ देचु साइंस डेमो देचु पेडागोजी देचु इंग्लीश देचु एंड इंग्लीश पेडागोजी देचु ओडिया पेडागोजी देचु आज ओडिया आप ग्रामार गोटे नहीं आसो विशेषण पद। तो आप निश्चित भाव देखिए क्लास आप लगुच एंड से हिसाब से आप पैक परचेज करेंगे बहुत कम प्राइस रही 100 टाँग अफ्रे आपर 799 999 1499 प्राइस रखीचु ए प्राइस 14 फेब्रुआरी पर आम बढ़ाई देवु ठीक है। तपूर्व आप जॉइन हो जातु कहीं 15-20 भितर नोटिकेसन आस नोटिकेसन से समय आसो आम प्राइस बढ़ाई देवु तो से सब तपूर्व आप जॉइन हो जातु ये नंबर रही आप जोजोग करेंगे। तो आज आपड़े जोजोग करे मु फ्री नी तो गोटे दुईटा पाखापाखि पर मुझे फ्री हो मत जोजोग करेंगे एंड थर्ड बैच आम मैक्सीम रखी 1 मार्च स्टार्ट करूँ कितु 1 मार्च हेनी कहीं नोटिफिकेशन आस फेब्रुआरी 15-20 भितर आम तर नोटिफिकेशन आसवर ठीक गोटे दिन पर आम क्लास स्टार्ट करूँ आपन कौन कराया हे ना आपन को ये नंबर देखुंत ये आप गूगल पे फोन पे पेटीएम सब नंबर अच्छी आप पेमेंट करेंगे पेमेंट कर सारापर आप स्क्रीनशॉट आमको शेयर करदे व्हाट्सएप मध्यम ठीक अच्छे शेयर करदे आम आप एडमिशन करदेबू। तो आम बर्तमान देखा जहाँ रही क्लास तो क्लास भल लगे आप पेड कोर्स ने फ्री कोर्स भी क्रिएटिव अनंत अवेलेबल एमसीक्यू क्लास डेली आप क्लास होने देखिपर। हेलो एवरीवन वेलकम टू सीईआई ओडिया क्लास रो क्लास नंबर 8 रहिबो एहा ओटेट रो बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 पे सेम रहिबो। लास्ट क्लास विशेष्य पढ़ी आज पढ़ा विशेषण चलंतु क्लास टी आरंभ करिबा। स्क्रीन रे देखंतु प्रथम प्रकार एवं द्वितीय प्रकार किसी वाक्य लिखाई से वाक्य को पढ़ंतु। प्रथम टी देखंतु पागलटी गाड़ी रु पड़गला एटा देखी आपण को कौन बुझा पड़ देखिले पागलटी गाड़ी रु पड़गला एटा आपण सुनिले एवं किछि गोटे अर्थ बुझिले तबे एहारो बा एथिरु एहारो सेकंड द्वितीय प्रकार वाक्य को देखंतु पागलटी चलता गाड़ी रु पड़गला क्यों प्रकार गाड़ी रु चलता तेबे प्रथम प्रकार वाक्य रे आपणकर विशेष्य के हिजिबो पागल। पागल शब्दटी पागल मानक जातिर एक नाम होइथिबारु एठी किए हिजिबो विशेष्य आपणकर पागल तेबे पागल को पागलटी जो गाड़ी रु पड़गला ताको टिके अधिका एक्सपेंशन करके बुझाला किपर पड़गला चलता माने केउथिरु पड़गला गाड़ी रु नुह चलता गाड़ी रु पड़गला तेणु बा एठी आपण गाड़ी भी देखंतु गाड़ी मध्ये एठी आपणकर गोटे प्रकार विशेष्य होइजिवो एक प्रकार जानवाहन अछि जार ना होउछि गाड़ी तो गाड़ी मध्ये आपणकर एठी गोटे कोन हि जाउछि विशेष्य होइ जाउछि तेबे चलता गाड़ी रु पड़गला जेउ पदटी आपणकर विशेष्य को किसी एक्सपेंशन करे विशेष्य विषय किसी कहे से हूँ आपणकर विशेषण आपड़ जमी आग को पढ़ी पढ़ी जी आप विषय जापर। द्वितीयटी देखो कुनी प्रतिदिन क्षीर पिए प्रथम वाक्य द्वितीय वाक्य कुनी प्रतिदिन कौन पिए लिटरे क्षीर पिए यह लिटरटा मेनसन करदेला कि कुनी केते क्षीर पिछे लिटरटे क्षीर पिछे ठीक अच्छे। से हीपरि तृतीय नंबर वाक्य देखंतु अजा एबे जामा पिंधिले द्वितीय प्रकार वाक्य सेहीटा को देखंतु केमती आम लिखी बुढ़ा अजा माने बुढ़ा शब्दटी अजांकर बयस को बुझेला एवं एबे सफा जामा पिंधिले माने सफा शब्दटी जामा जामार किछि गुण को बुझेला माने जामाटी किपरि अछि सफा अछि अजा किपरि थिले बुढ़ा थिले क्षीर केते लिटर पिए कुनी लिटरे एवं किपरी गाड़ी रु पागलटी पड़गला चलती गाड़ी रु पागलटी पड़गला तेबे एही जो चलती लिटर बुढ़ा एवं सफा ए सब हेउछंती आपणकर विशेषण जिए कि विशेष्य को बा विशेष्यर गुण को धर्म को तार नाम को किछि विशेषित करुछि। देखंतु वाक्य रे जेउ पद विशेष्य पदर गुण माने विशेष्य पदर किछि गुण को बुझौथिबो
ନହେଲେ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଉଥିବ, ଅର୍ ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଉଥିବ ବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଉଥିବ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ବିକଶିତ କଲେ ବା ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ବିଶେଷଣ ପଦ ବୋଲି କହିବା। କେଉଁ ପଦକୁ? ଯେଉଁ ପଦ ବାକ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର କୌଣସି ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା, ପରିମାଣ, ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝେଇବ ସେହି ପଦ ହେବ ବିଶେଷଣ। ବିଶେଷ୍ୟ ବାକ୍ୟ କ'ଣ? ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଶେଷଣ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଛେ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ବିଶେଷ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଏଇଟା ଭାବିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପଦ ବାକ୍ୟର ଯେଉଁ ପଦଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି ସୂଚନା ଦେଉଛି ସେ ହେଇଯିବ ବିଶେଷଣ। ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ଥରେ କହିଦେଉଛି, ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର କୌଣସି ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା, ଧର୍ମ, ପରିମାଣ, ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିଷୟରେ କିଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଉଛି, ଯେମିତିକି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ସ୍ଲାଇଡ଼ରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଅଜାଙ୍କ ବିଷୟ, ଅଜା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା କିଏ ଦେଲା? ବୁଢ଼ା ଶବ୍ଦଟି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଲା। ସେହିପରି ଜାମା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ୍ୟ, ଯେଉଁ ପୋଷାକ ଆମେ ପିନ୍ଧୁଛେ ସେ ପୋଷାକର ନାମ ହେଉଛି ଜାମା। ଜାମା ମାନେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାମାକୁ ହିଁ ମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ଜାମାକୁ ହିଁ ବୁଝୁଛେ। ଜାମା ମାନେ ଆମେ ଆଉ ବ୍ୟାଗ୍ କି ବଟଲ୍କୁ ତ ବୁଝୁନେ, ତ ସେ ଜାମା ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପୋଷାକର ନାମ ହୋଇଯାଉଛି, ତ ନାମ ମାନେ ସେ ବିଶେଷ୍ୟ ହୋଇଯିବ। କିପରି ଜାମାଟି ଅଛି? ସଫା। ଜାମା ବିଷୟରେ ସୂଚନା କିଏ ଦେଲା? ସଫା ଜାମାଟି, ଏଇଟା କି ଜାମାଟି ଆପଣଙ୍କର ସଫା ସୁତୁରା ଅଛି। ତେବେ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ବିଶେଷଣ ପଦ କହିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶେଷଣ କେତେ ପ୍ରକାରର? ମୁଖ୍ୟତଃ ଅର୍ଥଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଅର୍ଥଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ବିଶେଷଣକୁ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଅର୍ଥଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ବିଶେଷଣକୁ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଏଠି ଲେଖା ହୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ, ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଥିବ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଥିବ ସେ ହେବ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ। ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ, ଯିଏ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଉଥିବ ସେ ହେବ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଇଲେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ, ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଇଲେ ପରିମାଣବାଚକ, ପୂରଣବାଚକ କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ତୁଳନା ମାନେ ଦୁଇ ବା ଦୁଇଠୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତୁଳନା କରୁଛି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ, ସେଠି ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏସବୁ ବିଷୟରେ 6ଟି ଯାକ ବିଶେଷଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଗୁଣକୁ, ଧର୍ମକୁ, ସ୍ୱଭାବକୁ ବା ପ୍ରକୃତିକୁ ବିଶେଷିତ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କହିବା। ସରି, ଗୁଣବାଚକ, ଏଠି ଆଇ ଆମ୍ ସୋ ସରି, ଏଠି ମୁଁ ବିଶେଷ୍ୟ ଲେଖିଛି, ଏଇଟା ଭୁଲ ହୋଇଯିବ, ଏଇଟା ହେବ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଆଇ ଆମ୍ ରିଅଲି ସରି, ଏଇଟା ହୋଇଯିବ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ, ଯେପରିକି ଆପଣ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ଲେଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଆମ ରିଅଲି ସରି କି ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିବା ବେଳେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଲେଖିଦେଇଛି, ଏଇଟା ହେବ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଯେଉଁ ପଦଟି ଆମର ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପଦଟି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଗୁଣ, ଧର୍ମ, ସ୍ୱଭାବ, ପ୍ରକୃତିକୁ ବୁଝାଉଥିବ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ସୂଚନା ଦେଉଥିବ ସେ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ବୁଝିଯିବେ। ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ସଫଳତା ପାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛାତ୍ର କ'ଣ? ଛାତ୍ର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ୍ୟ, ବୁଝିଗଲେ? କେମିତି ନା, ସ୍କୁଲକୁ ବା ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଛି, ସେ ସ୍କୁଲ ହେଉ ବା କଲେଜ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆରେ ଛାତ୍ର ହିଁ କହୁ। ତା'ମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗର ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାତ୍ର ବୋଲି ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ? ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହିଁ ହୋଇଯାଉଛି।
तेबे छात्रटी केउं भली होइथिले से सफलता पाइबो देखंतु छात्रटी आपणंकर मेधावी छात्र होइथिले से पाइबो सफलता किपरि छात्र होइथिले मेधावी छात्र होइथिले सफलता पाइबो तो तेबे मेधावी शब्दटी कौन कला ना छात्रर गुण को तार स्वभाव को नट स्वभाव से गुण को तार कौन कला अत्यधिक भाव आपको वर्णना करके देदेला मेधावी शब्दर आम जापारे कि छात्रटी भल मेधावी छात्र अटे से हीपरी आपड़ देखिपे सेकेंड एग्जाम्पल आपणकर रक्त मंदार देखा को अत्यंत सुंदर ठीक अच्छे एटी देखु मंदार फूल आपणकर एक विशेष्य अटे किपर विशेष्य ना मंदार होउछि गोटे प्रकार फूलर नाम तेणु ये नामवाचक आपणकर विशेष्य किपरी रक्त मंदार माने मंदार मध्य आपणकर विभिन्न प्रकार लाल मंदार गोलापी मंदार धला मंदार आपण देखिछन्ति तेबे जदि आमे एठी रक्त मंदार लिखिदबा ताहाले मंदारटी किभळी हेजिबो केवल रक्त मंदार को ही बुझेबो तेणु एठी रक्त टी आपणकर हेउछि गुणवाचक विशेषण देखन्तु मु रक्त तळे आपणकर गार भी दे दिछि अंडरलाइन कर दिछि रक्त हेउछि आपणकर गुणवाचक विशेषण ठीक अच्छे नेक्स्ट देखते यहीपर के उदाहरण मुझे आम चेष्टा कर सबु दिगर जो भली आपणकर एग्जाम क्वेश्चन पचारे से सबू आपण को प्रोवाइड कर देखु भोकिला बाघ भोकिला शब्दी आपण को देखा कि बाघर अवस्थाटी बर्तमान कौन अच्छे से भोकिला अच्छी सुधार गाई गाईर प्रकृति विषय से देखला भल पिला भल शब्दी पिलार गुण को दर्शाऊँ ठीक अच्छे कसा कोली कोलीटी किपरी कसाटी मानने कसा कोली अच्छी मिठा कोली अच्छी कसा शब्दी आपण को जनईदेला कि कोलीटी कसा अच्छी से हीपर भाव में विभिन्न कल वचन कठिन समय विकासशील राष्ट्र माने राष्ट्रटी विकासशील हो जाऊँगी मिथ्यावादी मनीष ता मानने मनीषटी मिथ्या कह ठीक अच्छे महत जन नील नयन पंडित लोक ये सबू हूँ आपणकर गुणवाचक विशेषण क्यों पद देखु जो पद अत्यधिक अधिक कला अक्षर लिखा जाए से सबू हूँ आपणकर गुणवाचक विशेषण जी कि विशेष्य पदर किसी गोटे गुण अवस्था को बुझाऊ गुण को बुझाऊँ ना अवस्था गुण से तार प्रकृति तार स्वभाव यह सब सी बुझाऊँ से हूँ आप गुणवाचक विशेषण देखु जो विशेषण पद नेक्स्ट जो विशेषण पद विशेष्य पदर अवस्था को सूचाए ताको आमे अवस्थावाचक विशेषण बोली कहिबा जो विशेषण पद विशेष्यर अवस्था को बुझेबो विशेष्यर गुण को बुझेले से गुणवाचक विशेषण तेबे अवस्था को बुझेले से कौन हेजिबो अवस्थावाचक विशेषण जेमिति उदाहरण पड़ेला दियागला तले तातेला पानी रे घर पड़े ना देखंतु पानी होउछि आपणकर गोटे विशेष्य काहीकि ना गोटे प्रकार तरल पदार्थ जार ना होउछि पानी तरल पदार्थ तो आपणकर केते गुड़े प्रकार अच्छी किंतु पानी कहले आम पर्टिकुलर पानी को ही बुझा तमें पानी हूँ गोटे प्रकार तरल पदार्थर नाम तेब ये हूँ आपणकर नामवाचक विशेष्य तेब तातला पानी ये तातला शब्दी आपणकर कौन कला कि पानीर गोटे अवस्था को बुझेदेला पानी क्यों अवस्था अच्छी अत्यधिक गरम अवस्था सी अच्छी तेबे तातला शब्दी आपणकर कौन हो अवस्थावाचक विशेषण से हीपरी पाचिला आंब आंब एक फलर नाम पुणि थरे नामवाचक विशेष्य विशेष्य पाचिला पदटी आंब को केमिति जनईदेला आंब कंचा भी थपे पाचिला भी किंतु पाचिला आंब कहले मैंने पर्टिकुलरली पाचिला आंब को ही बुझेब तेबे पाचिला शब्दी कौन हो देखा कि आंबटी कौ अवस्था अच्छी आंबटी पाचिला अवस्था अच्छी तेणु पाचिला शब्दी आपणकर अवस्थावाचक विशेषण देखु अवस्थावाचक विशेषण केतोटी उदाहरण जपरिकि दुर्बल शरीर शरीरटी किपल अच्छी दुर्बल अवस्था अच्छी असुस्थ मन मनटी असुस्थ अच्छी ददरा ना ना माने डंगा डंगाटी भांगी जाइछि भंगा ददरा अवस्था अच्छी सुखिला जमी दरिद्र सुदामा पाचिला आंब देखंतु पाचिला आंब मु एग्जांपल देथिले ना एठी मधे देछि आपणकर पाचिला आंब तटका माछ
ठीक अच्छे जो शब्दी जो विशेषण पदटी विशेष्य पदर अवस्था को बुझाई थी से आपणकर अवस्थावाचक विशेषण ये सब आप जो कला रंगर लिखाही इंक्रे से हूँ आपणकर विशेषण पद आपड़ निहाती भाव में एगुड़ाक पढ़ा आवश्यक कहीं एगुड़ा सब इम्पोर्टेन्ट तृतीय हो जाए संख्यावाचक विशेषण तेबे जेऊ पद विशेष्यर गुण को बुझेब से गुणवाचक विशेषण जी अवस्था को बुझेब विशेष्यर से अवस्थावाचक विशेषण डेफिनेटली जी संख्या को बुझेब सी संख्यावाचक विशेषण देखो जो विशेषण पद विशेष्य पदर संख्या को सूचाए बुझाए ताको आम संख्यावाचक विशेषण बोली कहू उदाहरण बार मस देखु बार यहीपर आम बार लिखिपर ना बार मसरे तेर जात्रा यहीपर आपणकर संख्या आसी जातेबाला संख्या आसीजे से किपर विशेषण हो संख्यावाचक विशेषण आम विद्यालय षाठी जन देखु षाठी जन लिखिपारे आम संख्य मंदिर टी गढ़ापी छर्ष समय लगी बुझिपारे जेतेबले पदटी आपणकर विशेषण पदटी संख्या को बुझाऊ से संख्यावाचक विशेषण जमीती देखु एक मीटर कपड़ा कपड़ा हूँ आपणकर विशेष्य किपर कपड़ा एक मीटर कपड़ा तमान ये आपणकर संख्यावाचक विशेषण किए एक मीटर पांच भाई भाई केते भाई पांच भाई तो पांच होपणकर संख्यावाचक विशेषण छतु छपणकर संख्यावाचक विशेषण सात बार रे सात संख्यावाचक विशेषण सात समुद्र तेर नई ढेग आपड़ शुणी थे सात होपणकर संख्यावाचक इत्यादि यहीपर भाव जो पदटी संख्या को बुझाऊ कहार विशेष्यर ताकर संख्यावाचक विशेषण नेक्स्ट देखु परिमाणवाचक विशेषण से हीपरि भाव में जहाँ परिमाण को बुझाऊ विशेष्य पदर परिमाण को बुझाऊ शब्दी परिमाणवाचक विशेषण जो विशेषण पद विशेष्य पदर देखु परिमाण को बुझाए ताको परिमाणवाचक विशेष्य कहती कहुए किपर कम कथा कह ये देखु परिमाण नॉट मीन्स कि आप क्वांटिटी रे कहिबे एटा को कोनोसी मेजरमेंट कोनोसी संख्या द्वारा आमे लेखि परिबा नाही कम माने केते परिमाण रे कथा कहिबो कम कथा को बेसी काम कर तो कम बेसी ए सब आमे केते बेले व्यवहार करू जे कोनोसी वस्तुर परिमाण पई परिमाण को सूचाइबा पई आमे कम बेसी व्यवहार करू गाई को बिड़ाए घास दियो एबे आपण कही परिबे कि बिड़ाए घास रे केतो टी पर्टिकुलर घास थाए 20 टी घास थाए बा 30 टी घास थाए कही परिबानी ताहले तो सेमिथे जीव कि गाई मानंकु जे रखुचंती से कहबे ताको 50 टी घास दियो ताको 60 टी घास दियो एमि त होबनी बिड़ाए घास बिड़ाए माने गोटिए बिड़ा घास से बिड़ाए घास रे केते गुडाए घास थाए परंती आमे गणी परिबानी से घास को तेनु एही जो आपणकर परिमाण अल्प धन विकल मन देखु अल्प अल्पर अर्थ मध्य आमर कम तेबे यह मध्य एक परिमाण क्वांटिटी आपणकर कौन कम ना अधिक बट से क्वांटिटी पर्टिकुलर गोटे नंबर रे आसिबनी सेटा हे जिवा आपणकर परिमाण वाचक विशेषण बुझिपारचंती पुणि थरे कहि दउची जेउ विशेषण पद विशेष्य पदर परिमाण को बुझाए जेमिती कि कम बेसी अधिक बा बिड़ाए अनेक एवं यार नेक्स्ट एग्जांपल गुड़क आम नेक्स्ट स्लाइड देखा देखु कपे चाहा बस्ताए चाउल बेतुलिए मुग हांडीए उखुड़ा देन भार दुई भार परिबा गौणी आप गौण अड़ा बोड़ा एगुड़ा सब शुणी थे आपण बड़ मानक खंडे गामुछा ये सबको आम संख्यार लिखिपर आम सब को कौन करवा केवल ही परिमाण दृष्टि ही कह कि बस्ताए चाउल अच्छी पांच बस्ता बीरी अच्छी आम एमती ही कहींपर कांदी कदमी देखु ये देखु पोसे टोपाए जमीक पोसे मुग टोपाए क्षीर आंजुलाए चाउल मुहूर्ते समय प्रभृत प्रचुर प्रचुर परिमाणर वर्षा
बस्ताए जमी चाउल कहली हेक्टर जमी सामान्य ढोके ये सब हूँ आपणकर परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट पूरणवाचक विशेषण कौन एटा आपण को बुझा को पड़े पूरणवाचक विशेषण कौन देखूँ जो विशेषण पद संख्यारु निष्पन्न हो माने कौन से आपण को एमती एक बा पांच सात षाठी एहीपरी कौन से संख्या नथिबो ठीक अच्छे किंतु कौन थिबो संख्यारु निष्पन्न हो संख्यार क्रमिकता प्रकाश करिबा जेमिति कि प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम ए सब होइजबा आपणकर पूरण वाचक विशेषण जेमिति आपण इंग्लिश रे कहिबा को गले फर्स्ट सेकंड ए सब होइजबा आपणकर पूरण वाचक विशेषण सेटा को आमे केबे भी जेमिति कि आपणकर 11 तो आपने 11 लिखिबेनि 11 11 जदि थिबो मने पकांत आमे कोन पढ़िले 11 थिले छै कोन होइजबो संख्यावाचक विशेषण किंतु 11 परिवर्ते जदि 11 थिबो से होइजबो आपणकर पूर्णवाचक विशेषण आमे नेक्स्ट स्लाइड रे मध्ये आपणको देखैबे। देखंतु पंच पांडव एठी आपणकर 5 बुझौछि पंच पांडव माने केतरे जण 5 जण किंतु आमे से विषय देखिबानी आमे खोजिबा एही सेंटेंस रे एही वाक्य रे पूर्ण सूचक पूर्ण वाचक विशेषण किए अछि देखंतु एठी 5 मीन्स एठी 5 होजे पंच पांडवंक मध्य रे सहदेव पंचम पांडव थिले देखंतु एठी 5 नंबर पांडव बोली कुहा हेनी पंचम पांडव तेबे ये संख्यार क्रमिकता को प्रकाश कला कि नहीं प्रथम तापर द्वितीय तापर तृतीय चतुर्थ शेष को पंचम तो सहदेव पंचम नंबर पांडव ही तो थिले तेबे जेउ पद गोटे निर्दिष्ट संख्या आम लिखि परिबानी किंतु ता बदल रे संख्यार क्रमिकता एटा को निश्चित मन रखिबे संख्यार क्रमिकता को आपणकर बुझेबो से आपणकर हे जीव पूर्ण वाचक विशेषण। देखंतु सेकंड एग्जांपल मु अष्टम श्रेणी रे पढुछि आमे नॉर्मल कहबा बेले कथा कहबा बेले कोन कहुछे मु 8 क्लास पढुछि जते बेले मु कहबे मु 8 क्लास पढुछि तेबे 8 टी आपणकर संख्यावाचक विशेषण होइजिवो किंतु जदि मु कहबे मु अष्टम श्रेणी रे पाठ पढे तेबे अष्टम आपणकर कोन होइजिवो पूर्णवाचक विशेषण होइजिवो ठीक अछि। नेक्स्ट देखंतु आमे कोन व्यवहार करुछि केतेक संख्यार पूर्णवाचक विशेषण माने ए सब हेउछ आपणकर संख्यावाचक विशेषण ए सब जहाँ को मु रेड कलर रे मार्क करिछि ए सब हेउछ आपणकर संख्यावाचक विशेषण एवं जेउ सब को मु ब्लू कलर रे मार्क करिछि देखंतु से सब हेउछ आपणकर पूर्णवाचक विशेषण जेमिति ठीक अछि बुझि पर्चंती। देखंतु एक पई आमे व्यवहार करू प्रथम दुई पई द्वितीय तीन पई तृतीय चार पई चतुर्थ पांच पई पंचम ए सब आपण बहुत आगर जानि छथि बहुत सहज बस आपण को टिके मन रखिबार अछि कि जते बेले हम संख्या राशि जाय से संख्यावाचक विशेषण एवं एही परि भाबरे क्रमिक संख्यार क्रमिक को बुझैबो से कोन हिजबो पूर्णवाचक विशेषण तबे 6 पई षष्ठम 7 पई सप्तम 8 पई अष्टम 9 पई नवम 10 पई दशम सही परी एति करे कोन रही जाउ छी कि हमर संख्या गणन संख्या 11 आसीबो 11 पई 11 12 पई द्वादश 13 पई त्रयोदश ठीक अछि एही परी भाबरे क्रमिक हिसाब रे से आगु भागु को चालिबो बस आपण एति को मन रखिबे जदि संख्यार क्रमिक को बुझैबो से पूर्णवाचक जदि डायरेक्ट आपण को संख्या देथिबो से हे जीवो संख्यावाचक ठीक अछि। नेक्स्ट देखंतु सिक्स्थ नंबर आमर विशेषण तुलनात्मक विशेषण दुई बा तहिरु अधिक विशेष्य पद मध्यरे तुलना करिबा पई जेऊ विशेषण पद व्यवहार होइथाय ताहाकु तुलनात्मक विशेषण कुहा जाए। देखंतु आपण पीडीएफ रु संज्ञाटा पढिबे मु आपणकु बुझे दउछि दि जण आपणकर पिला माननकु आपण कहोंते कि नै सी एते मार्क आणला कि राम क्लास रे फर्स्ट हो गला तू कहीं हो पारलुनु हाँ बा मो भौणी भल चाकरी पाइगले मु कहीं पाई पारलेनी तेबे जेते बेले भी बा सीता एवं गीता मध्ये सीतार
हाइट अधिका आम सब तुलना करू ना जितेबले दुई जन भितर बा मन रखत दुईठू अधिक जन हो पार जमीक गोटे श्रेणी रे दस जन पा पढ़ुंट भावि मनकर आप गोटे श्रेणी रे दस जन पिला पढ़ते दस जन छात्र छात्री पढ़ते तेज जितेबले वार्षिक परीक्षा हुए कहीं जड़े बा दुई जन हार्डली दुई जन बट मैक्सिमम टाइम जड़े फर्स्ट हूँ तेबे से जो फर्स्ट हेले प्रथम श्रेणी रे उत्तीर्ण हेले केते जनक भितरे दस जनक भितरे तो सही परी भाबरे दुई जनक भितरे जदि कोनोसी कंपैरिजन करा जाए बा दुईठ अधिक जनक भितरे जदि कंपैरिजन करा जाए तेबे सेमानक कंपैरिजन पई सही तुलना करबा पई जेउ शब्दटी व्यवहार करा जाए बा जेउ विशेषण पदटी व्यवहार करा जाए से हेउछि आपणकर तुलनात्मक विशेषण ठीक अच्छे आपण से डेफिनेशन को पढ़ी पारे दुई बा तहीरु अधिक विशेष्य पद मध्यरे माने दुईटी विशेष्य पद जमीती कि मु कहली सीता एवं गीता ठारु सीता एवं गीता मध्यरे सीतार हाइट अधिका बा उच्चता अधिका तेबे सीता मध्य एक झियर ना गीता मध्य एक झियर ना दुईटी जाक कौन हो गले व्यक्तिवाचक विशेष्य हो गले विशेष्य तेबे दुईटी विशेष्य पळे आसला जेतेबेले आपणकर दुईटी विशेष्य बा दुईटी रु अधिक विशेष्य मध्य होई पारिबो से मानक भितरे दुईटी रु अधिक विशेष्य मानक मध्यरे कोनोसी तुलना करा जाए कंपैरिजन करा जाए सेतेबेले सही विशेषण पद आपणकर कोन हे जाए तुलनात्मक विशेषण किपरी केमी आप एग्जांपल देखले जानपर नेक्स्ट स्लाइड आपण मैं किसी एग्जांपल्स रखी राम हरि ठारू उच्चतारे क्षुद्रतर देखु राम हरि ठारू उच्चतारे क्षुद्रतर तेबे देखु राम हरि ठारू उच्चतारे क्षुद्रतर राम हरि राम मध्य गोटे विशेष्य एवं हरि मध्य गोटे विशेष्य दुईटी जाक विशेष्य मध्य कौन करागला कंपैरिजन तुलना करागला कौन ना उच्चतारे किए अधिक किए कम ताहले कौन हेगला राम अधिक हेगला कौन आम सॉरी राम क्षुद्रतर हेगला राम हरि ठारु उच्चतारे क्षुद्रतर तेबे जो एही क्षुद्रतर शब्दटी आपणकर व्यवहार हला से हे जीव आपणकर तुलनात्मक विशेषण बुझी पारछंती राम हरि ठारु उच्चतारे क्षुद्रतर जो एही क्षुद्रतर शब्दटी व्यवहार करागला से राम एवं हरि उभयर उच्चता को कंपेयर कला एवं आंसर देला जे राम हरि ठारु हाइट रे सान ठीक अछि देखंतु सेकेंड एग्जांपल हिमालय माने एटा का भितरे कंपैरिजन हला दुई जण केवल राम एवं हरि दुई जण को भितरे कंपैरिजन हला सेकेंड एग्जांपल देखंतु हिमालय पृथ्वीर उच्चतम पर्वत एटा को भल से देखंतु हिमालय पृथ्वीर उच्चतम पर्वत एठी केतोटी आपणकर विशेष व्यवहार होईछि एटी तो हिमालय तो गोटे पर्वतर ना गोटे ही हिमालय अछि ता माने ये डेफिनेटली आमर नामवाचक विशेष्य हो तेब कंपैरिजन करने आउ गोटे विशेष्य कहीं टी भावतु आउ गोटे विशेष्य कहीं अच्छी देखु हिमालय पृथ्वीर उच्चतम पर्वत तहार अर्थ संपूर्ण पृथ्वी मध्य टोटल सर्वमोट भाव जितोटी भी आम पर्वत अच्छी से समस्त भितर हिमालय हो उच्चतम ताहले एठी जो तुलना करागला केते जनक भितरे एठी दुईटी विशेष्य मध्यरे तुलना करागलानी एठी दुई रु अधिक बा बहुत गुडाए पृथ्वी तो निहाति भाबरे बहुत गुडाए पर्वत अछंती त से समस्त पर्वत मानक भितरे के बड हमर हिमालय तेणु देखंतु आमे वर्तमान एठी काही की उच्चतर बोली लगेलेनी उच्चतम लगेले मु एडा मध्ये आपनको कहि दोची जेते बेले तुलना केवल दुई जनों को मध्यरे करा जाए तेबे तेबे आपणकर क्षुद्र तर लागिबो ठीक अछि किंतु जेते बेले आपणकर तुलना अनेक गुडीए विशेष्य मध्यरे करिवे आपण तम लगेबे उच्चतम ठीक अछि नेक्स्ट एग्जांपल देखनु हरि गोपाल अपेक्षा चालाक
ବୁଝିଲେ। ହରି ଗୋପାଳ ଅପେକ୍ଷା ଚାଲାକ, ଏଠି ହରି ଏବଂ ଗୋପାଳ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରାଯାଏ। ଏଠି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯାହା ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଆମେ ଏଠି ପଢ଼ିଥିଲେ, କେତେ ପ୍ରକାରର ବିଶେଷଣ ଆମର ଅଛି ପଢ଼ିଥିଲେ, 6 ପ୍ରକାରର ବିଶେଷଣ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ ଆମେ ଜାଣିଲେ ପଢ଼ିସାରିଲେ, ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ, ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ପଢ଼ିସାରିଲେ, ପରିମାଣ, ପୂରଣ, ତୁଳନାତ୍ମକ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର 6 ବିଶେଷଣ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏହାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଯାହା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ଯେମିତିକି ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ, ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ, ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ, ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ 6 ବିଶେଷଣ ଅପେକ୍ଷା ଟିକିଏ କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ଏବଂ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତଥାପି ବାକି ଯାହା ରହିଯାଉଛି ଆମେ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ PDFରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଇଦେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ କ'ଣ, ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷଣର, ମାନେ 2 ବିଶେଷଣ ଥିବ, ଗୋଟିଏ ବିଶେଷଣ ପଦ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷଣ ପଦର ଗୁଣ, ମାତ୍ରା, ଅବସ୍ଥାକୁ ସୂଚାଉଥିବ, ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ ହୋଇଯିବ, ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ହୋଇଯିବ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ଯେଉଁଠି ଥିବ ସେଠି ଟୋଟାଲ୍ କେତୋଟି ବିଶେଷଣ ଥିବେ, 2 ବିଶେଷଣ ଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ସେ 2 ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷଣ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷଣ ବିଷୟରେ କିଛି ନା କିଛି ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଥିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଖରାଦିନେ ଅଧିକ ପବନ ବହୁଛି, ଖରାଦିନେ ଅଧିକ ପବନ ବହିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇ ଏମ୍ ସରି, ମୁଁ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବାର ଜୋଶ୍ରେ, ଖରାଦିନେ ଅଧିକ ଗରମ ପବନ ବହିଥାଏ, ଅଧିକ ପବନ ନୁହଁ, ଖରାଦିନେ ଅଧିକ ଗରମ ପବନ ବହିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବିଶେଷ୍ୟ କିଏ, ବିଶେଷ୍ୟ କିଏ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ, ଗରମ ପବନ, ଥଣ୍ଡା ପବନ, ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ଅନେକ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷଣର ଗୁଣକୁ ଦେଖାଉଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି, ଗରମ ପବନ କିପରି, ଏକର ତ ଲାଗିଥାଏ ଖରାଦିନେ ଅଧିକ ଗରମ ପବନ, ମାନେ ଗରମ ପବନର, ପବନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ୍ୟ, ପବନର ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝେଇଲା ଗରମ, ତା ମାନେ ଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷଣ, ପବନର ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝେଇଲା କିଏ, ଗରମ, କେମିତିକା ପବନ ହେଉଛି, ଥଣ୍ଡା ପବନ ନା ଗରମ ପବନ, ସେ ବହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଗରମ ପବନ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ଏଠି ପବନ ଆମର କେତେ ପ୍ରକାରର, ଥଣ୍ଡା ପବନ, ଗରମ ପବନ, ନର୍ମାଲ ପବନ, ତ ପବନର ଅବସ୍ଥା କିଏ ବୁଝେଇଲା, ଗରମ ଶବ୍ଦଟି ଆପଣଙ୍କର ବୁଝେଇଲା, ତ ଗରମ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷଣ, ହଁ କି ନାହିଁ। ଗରମର ପୁଣି ଅବସ୍ଥାକୁ କିଏ ବୁଝାଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ଅଧିକ, ମାନେ କିପରି ଗରମ, ଅଧିକ ଗରମ ନା କମ୍ ଗରମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶୀତ ଦିନେ ଥଣ୍ଡା ଦିନେ ଆମେ କିଛି ଗରମ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରୁ ନିଜର ବାଥ୍ ନେବା ପାଇଁ, ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କିପରି ଗରମ ଆମେ ଗାଧୋଇ ପାରିବା, କମ୍ ଗରମ ଗାଧୋଇ ପାରିବା ବା ଉଷୁମ ପାଣି ଗାଧୋଇ ପାରିବା, କିନ୍ତୁ କମ୍ ଗରମ ଏବଂ ଅଧିକ ଗରମ ଏବଂ ଗରମ ଏ 3 ଭିତରେ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ଗରମ ମାନେ କେତିକ ଗରମ ଆମେ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ କମ୍ ଗରମ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ହଁ ଆମେ ଏତିକିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧୋଇ ପାରିବା, ଏବଂ ଅଧିକ ଗରମ ମାନେ ଜାଣିଛେ ଏତିକିରେ ଆମେ ଗାଧୋଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇ କମ୍ ଏବଂ ଅଧିକଟି କ'ଣ କରୁଛି, ଗରମ ବିଶେଷଣର ପୁଣି ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ପବନ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ସୂଚନା ଦେଲା, ପବନ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଯେକୌଣସି କିଛି ବି ସୂଚନା ଦେଲା, ଗରମ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ନା ପବନଟି କିପରି ଗରମ ପରି, ଗରମ ବିଷୟରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ଦେଉଛି ଅଧିକ, ଅଧିକ ଗରମ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଶବ୍ଦଟି ଏଠି କ'ଣ ହୋଇଯିବ, ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ।
ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଶବ୍ଦଟି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ସେକେଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାମଟି ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ନିହାତି ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ରାମ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା, ଦୁଷ୍ଟଟା ହେଉଛି ତା'ର ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ରାମଟି କିପରି ପିଲା କିଏ ଦର୍ଶଉଛି, କିଏ ବୁଝାଉଛି, କିଏ ସୂଚାଉଛି? ଦୁଷ୍ଟ ଶବ୍ଦଟି, ଦୁଷ୍ଟ ଶବ୍ଦଟି ମାନେ କ'ଣ, ରାମଟି ଦୁଷ୍ଟ, ଦୁଷ୍ଟଟା ରାମର ଗୋଟେ ଗୁଣ, ଦୁଷ୍ଟାମୀ କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷଣ। ଏବଂ ବିଶେଷଣକୁ କିଏ ବୁଝାଉଛି, ନିହାତି, ତା ମାନେ ନିହାତି ଅଧିକ ଦୁଷ୍ଟ। ତେବେ ବା ତେଣୁ ନିହାତି ଶବ୍ଦଟି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଯିବ, ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହୋଇଯିବ, ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ରାମଟି କିପରି ପିଲା, ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା। କିଏ ବୁଝାଇଲା, ଦୁଷ୍ଟ ଶବ୍ଦଟି ବୁଝାଇଲା। କେତିକି ଦୁଷ୍ଟ, ନିହାତି ଦୁଷ୍ଟ, କିଏ ବୁଝାଇଲା, ନିହାତି ଶବ୍ଦଟି। ତେଣୁ ନିହାତି ଶବ୍ଦଟି ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯିବ ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଏତେ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି, ଏ ବିଷୟରେ ଏତେ ଡିଟେଲ୍ସଲି ପଚାରିବନି, ଯଦି ପଚାରିଦିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର PDF ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। ଆପଣ ବାସ୍ ଏଠି କନସେପ୍ଟକୁ କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, PDFକୁ ଆପଣ ନିଜେ ପଢ଼ି ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ହଁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଟିକିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ କ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଏ, କ୍ରିୟା ମାନେ କ'ଣ, କିଛି ବି କାମ କରିବା, ହସିବା, ଖାଇବା, ଚାଲିବା, ଦୌଡ଼ିବା, ଶୋଇବା, କଥା କହିବା, ଗୀତ ଗାଇବା, ନାଚ କରିବା, ଏସବୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିୟା। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦଟି ଏହି କ୍ରିୟାକୁ ମାନେ ଏସବୁକୁ ବୁଝାଉଥିବ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ତଥ୍ୟ ବା ସୂଚନା ଆମକୁ ଦେଉଥିବ, ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ ହୋଇଯିବ, କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲାଟି ମାନେ ବିଶେଷ୍ୟ କାନ୍ଦୁଛି, କାନ୍ଦୁଛିଟା, କାନ୍ଦିବାଟା କ'ଣ, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିୟା, କାନ୍ଦିବାଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ, କ୍ରିୟା। କିପରି କାନ୍ଦୁଛି, ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଛି। ତ ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଛି ନା ସାଇଲେଣ୍ଟଲି କାନ୍ଦୁଛି, ନା ପିଲାମାନେ କେମିତି ସୁକ୍ସୁକ୍ ହେଇକି କାନ୍ଦନ୍ତି ସେମିତି କାନ୍ଦୁଛି, ସେ କେମିତି କାନ୍ଦୁଛି, ପିଲାଟି ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଛି। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଜୋରରେ ଶବ୍ଦଟି, ପଦଟି କାନ୍ଦୁଛି କ୍ରିୟା ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, କାନ୍ଦୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲାଟି ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଛି। ଏଠି କ୍ରିୟା କ'ଣ, ଏଠି କ୍ରିୟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କାନ୍ଦୁଛି। ତ କାନ୍ଦୁଛି କ୍ରିୟା ବିଷୟରେ କିଏ ତଥ୍ୟ ଦେଲା, ଜୋରରେ ଶବ୍ଦଟି ତଥ୍ୟ ଦେଲା, ପିଲାଟି ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୋରରେ ହୋଇଯିବ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ସେକେଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ପବନ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ବହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ, ବଡ଼ୁ ବହୁଛି, ବହିବାଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିୟା। କିପରି ବହୁଛି ନା ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ, ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପବନ ବହୁଛି। ତେଣୁ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦଟି କ୍ରିୟା ବହୁଛି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିବାରୁ ବା ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଏଠି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କିଏ ହୋଇଯିବ, ମନ୍ଦ ମନ୍ଦଟି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିୟା ବିଶେଷ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଟପିକ୍ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଏ ଛଅଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏହାପରେ ଯାହା ବି ବିଶେଷଣ ରହିଯାଉଛି ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏତ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ହୁଏତ ନୁହଁ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ତଥାପି ଆମେ କୌଣସି ଟପିକ୍ ଛାଡ଼ିବାନି, ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ PDFରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ପଢ଼ିକି ସେଇଟା ବୁଝିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କହିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଜାଣିବା କେତେ ଆପଣ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶେଷଣ କେତେ ପ୍ରକାରର, ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖିବେ ଜାଣିପାରିବେ ବିଶେଷଣ ଅପ୍ସନ୍ ଡି 6 ପ୍ରକାରର। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ସଫଳତା ପାଇଁ ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏକ ବିଶେଷ୍ୟ ଶବ୍ଦ, କାହିଁକି ନା ଛାତ୍ର ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଗୋଷ୍ଠୀର ନାମ, ତେଣୁ ଛାତ୍ର ହେଉଛି ଏକ, ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ଅପ୍ସନ୍ ଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ନମ୍ବର 3, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ମଣିଷ, ଏଠାରେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିଶେଷ୍ୟ ଅଟେ, ମିଥ୍ୟାବାଦ, ଦେଖନ୍ତୁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଶବ୍ଦଟି ମଣିଷର କ'ଣକୁ ବୁଝାଉଛି, ଗୋଟିଏ ଗୁଣକୁ, ମିଛ କହିବା ସେହି ମଣିଷର ଗୁଣ, ତେଣୁ ସେହି ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଥିବାରୁ ଏହାର ଅପ୍ସନ୍ ସି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ହୋଇଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଏହିଭଳି ଅନେକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରେ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।